दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज द यूट्यूब बॉय विद यू। बिग बैश लीग 2021-22 का 56वां मुकाबला मेलबर्न स्टार्स और होबर्ट हरिकन्स के बीच में खेला जाने वाला है। 19 जनवरी का दिन है, दोपहर के 1:45 से ही मुकाबला शुरू होगा। दिन के 3 मुकाबले हैं, ये तो उस तीसरे मुकाबले की वीडियो है, बाकी के 2 मुकाबलों का अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारे नए ब्लॉग चैनल पर नया ब्लॉग आ चुका है, तो अगर आप ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे ब्लॉग्स को देख सकते हो। साथ ही साथ वीडियो के एंड में भी आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो जरूर देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना अगर आपको पसंद आए तो। बात की जाए वेन्यू की, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाने वाला है। इस ग्राउंड पर 56 मुकाबले अब तक हो चुके हैं, 160 के आसपास के एवरेज स्कोर है, 23 बार बैटिंग फर्स्ट और 32 बार बैटिंग सेकेंड जीती है। स्कोरिंग पैटर्न पर अगर हम नज़र डालें तो बिलो 150 24 बार, 150-170 14 बार, 170-190 14, 190 प्लस 4 बार यहां पर बन चुका है। बात की जाए अगर इस ग्राउंड पर खेले गए इस बिग बैश के मुकाबलों की, तो 6 मैच खेले गए हैं, 1 बार बैटिंग फर्स्ट और 5 बार बैटिंग सेकंड जीती है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना कितना सही रहेगा। इन 6 मुकाबलों में 34 विकेट पेसर्स को और 25 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को ही यहाँ पर मदद मिलता है। हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो 10 मुकाबले जो है 16 में से 10 मुकाबले स्टार जीती है और 6 मुकाबले होवर्ट की टीम जीती है। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो पिछले 5 मुकाबलों में होवर्ट की टीम 3 जीती है, 2 हारी है। वहीं मेलबर्न स्टार्स की टीम जो है 3 जीती है, 2 हारी है। इन दोनों का विनिंग और लूजिंग जो है पैटर्न सेम है, एक जीत रहे हैं, एक हार रहे हैं, एक जीत रहे हैं, एक हार रहे हैं। अब इसमें जो है ब्रेक होगा, देखते हैं क्या होता है। लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों में 3 मेलबर्न स्टार्स की टीम जीती है और 2 होवर्ट हरिकन्स की टीम जीती है। बात की जाए पॉइंट्स टेबल की तो होवर्ट हरिकन्स की टीम 5वें नंबर पर है, वहीं मेलबर्न स्टार्स की टीम जो है 6ठे नंबर पर है। होवर्ट की टीम ये मुकाबला जीतकर टॉप 4 में क्वालिफाई करने के इरादे से उतरेगी। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पर शो हो रही है मेलबर्न स्टार्स की, सेम कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम उतर सकती है। बात की जाए फॉर्म की तो इनकी तरफ से क्लार्क बहुत ही अच्छा खेले हैं इस साल, 384 रन बनाए हैं, मैक्सवेल 308 रन बनाए हैं और कार्टराइट 359 रन बनाए हैं। इन 3 बल्लेबाजों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है और इन्हीं पर एक बार फिर से सब कुछ डिपेंड रहेगा। स्टोनिस भी टीम में आ चुके हैं तो स्टोनिस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, लेकिन वो फॉर्म में नहीं है। गेंदबाजी में काउच और उसके अलावा जंपा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 10 विकेट जंपा ने लिया है, 13 विकेट काउच ने लिया है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जॉय बंस छोटी छोटी पारियां खेल रहे हैं, अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, फिनिश नहीं दे पा रहे हैं। वहीं जॉय क्लार्क बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, पिछले 5 मैचों में 83 और 62 दो बड़ी पारी आई हैं, बाकी 3 छोटी पारी आई थी, फ्लॉप पारी आई थी, उसके बाद एक 62 आया, यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं रही है। इस मैच में क्लार्क का बल्ला जो है खामोश रह सकता है। स्टोनिस की बात की जाए तो ये भी बड़ी पारियां अभी तक इस बिग बैश में नहीं खेल पाए हैं, आखिरी मुकाबले में 29 रन बनाए थे, थोड़ा चार्ज हो रहे थे लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए, हो सकता है इस मैच में इनका बल्ला चल जाए। मैक्सवेल की बात की जाए तो पिछले 5 मैचों में 68 और 37 की 2 बेहतरीन पारियां आई हैं, साथ ही साथ आखिरी मुकाबले में 2 विकेट भी मैक्सवेल ने लिया था। धीरे धीरे मैक्सवेल का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, देखते हैं कि कंसिस्टेंसी दिखा पाते हैं या नहीं। इस मैच में मैक्सवेल भी अच्छा खेल सकते हैं। वेस्टर की बात की जाए तो पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 अर्धशतक आया है और इनसे मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। कार्टराइट बहुत ही अच्छा खेले हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में, 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं, साथ ही साथ 49 रन एक बड़ी पारी आई है पिछले 5 मैचों में, यानी कि पिछले 5 मैचों में इनका भी कुछ खास बड़ा योगदान हमें देखने को नहीं मिला है, कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली है। लेकिन कार्टराइट एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि हारी हुई बाजी को पलटने की क्षमता रखते हैं। बात की जाए अगर गेंदबाजी की तो कर्टन नाइल लगातार हर मैच में विकेट ले रहे हैं। जंपा की बात की जाए तो पिछले 5 मैचों में 3 बार 2 विकेट ले चुके हैं। उसके अलावा काउच की बात की जाए तो एक मैच में विकेट ले रहे हैं, एक में नहीं ले रहे हैं। वहीं डेनियल की बात की जाए तो हर मैच में एक एक विकेट ले रहे हैं। तो ओके प्रदर्शन हम कह सकते हैं, गेंदबाजों में कंसिस्टेंसी है लेकिन ओके प्रदर्शन है ये। बात की होवर्ट हरिकन्स की तो ये भी टीम अपने सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है, बदलाव की उम्मीद ना के बराबर है। फॉर्म की बात की जाए तो शॉट 347 रन बनाए हैं, 4 विकेट लिए हैं। उसके अलावा मैकडॉर्मंड 516 रन सिर्फ 11 पारियों में बनाए हैं, वेट 308 रन बनाए हैं। 3 बल्लेबाज इनके बहुत ही खतरनाक फॉर्म में हैं, डेविड आखिरी मुकाबले में फॉर्म में नजर आए थे। गेंदबाजी में बात की जाए तो रोजर्स 18 विकेट ले चुके हैं, मैरेट 14 विकेट ले चुके हैं और लमिछा ने 13 विकेट ले चुके हैं। 3 गेंदबाज भी इनके बेहतरीन फॉर्म में हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं शॉट धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, 32, 29 और 37 ये 3 बेहतरीन प्रदर्शन पिछले 5 मैचों में इनका देखने को हमें मिला है, धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं।
बस अपने अपनी पारी को बड़ी पारी में इन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है। शॉर्ट बल्ले मैचों के प्लेयर हैं, इस मैच में चल सकते हैं। वैसे इस मैच में जी जान लगा देगी होवर्ट हरिकन्स की टीम ताकि टॉप फोर के लिए क्वालिफाई कर सके। मैकडॉर्मन की बात की जाए तो 93 और 38 की दो बड़ी बढ़िया पारी आई है पिछले 5 पारियों में, और 3 फ्लॉप पारी आई है, लेकिन ज़्यादा दिन तक इनका बल्ला खामोश नहीं रहता। इस मैच में मैकडॉर्मन का बल्ला चल सकता है। वहीं वेड 83 और 48 दो बैक टू बैक अच्छी पारियाँ खेल चुके हैं, तो इस मैच में इनके फ्लॉप होने की उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी ये नहीं रहते हैं। बात की जाए हैंस्कॉम की तो बैक टू बैक 5 फ्लॉप पारी आई है इनकी, इनका बल्ला चल सकता है इस मैच में। डेविड की बात की जाए तो 46 रन बनाए थे आखिरी मुकाबले में, थोड़ा फॉर्म में नजर आए थे, उसका असर इस मैच में भी हमें देखने को मिल सकता है। गेंदबाजी में आप देख सकते हैं कि थॉमसन पिछले 5 मैचों में 1 बार 3 विकेट लिए हैं, 3 मैचों में उन्हें विकेट ही नहीं मिला है, कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिली है। रॉजर्स जो है पिछले 5 मैचों में 1 बार 3 विकेट लिए हैं आखिरी मुकाबले में, उससे पहले विकेट नहीं मिला था, उससे पहले भी विकेट नहीं मिला था, उससे पहले 1 विकेट मिला था और उससे पहले 0 विकेट मिला था। लमिच्छ ने पिछले 5 मैचों में 4 बार 2 विकेट ले चुके हैं, बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है। वहीं मेरेडिथ आखिरी मुकाबले में 1 विकेट लिए थे, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 0, 1, 0। गेंदबाजी थोड़ी सी जो है इनकी डगमगाती हुई दिखी है पिछले 5 मैचों में, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन ठीक ठाक है। टॉप परफॉर्मर्स की बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल 337 रन बनाए हैं ओवर के खिलाफ, 42 का एवरेज है, 5 विकेट भी लिए हैं। स्टोनिस 296 रन बनाए हैं, 50 का एवरेज है, 7 विकेट लिए हैं, उसके अलावा जंपा 7 विकेट लिए हैं। बेन मैकडॉर्मेंट 340 रन बनाए हैं, 43 का एवरेज है इनका। डार्ची शॉट 221 रन बनाए हैं और रिले मेरेडिथ 13 विकेट लिए हैं। आइए देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को हमने अपनी फैंटेसी टीम में शामिल किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में 3 विकेट कीपर्स लिए हैं, वेड, मैकडॉर्मेंट और क्लार्क। 3 बल्लेबाज लिए हैं, बॉर्न, कार्टराइट और ज्वेल। उसके अलावा 2 ऑलराउंडर लिए हैं, मैक्सवेल और शॉट। उसके अलावा 3 बॉलर्स लिए हैं, जंपा, रोजर्स और काउच। ठीक है, कैप्टन हमने बनाया है बेन मैकडॉर्मेंट को, वाइस कैप्टन हमने बनाया है डार्ची शॉट को। ठीक है, बाकी फाइनल अपडेटेड टीम मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, बाकी मैचों का अपडेट भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं कि हमारे ब्लॉग चैनल पर नया ब्लॉग आ चुका है, तो अगर आप ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे ब्लॉग्स को देख सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी आपको हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर भी अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। मेरे एनालिसिस के अनुसार ये जो मुकाबला है होवर्ट की टीम जीत सकती है, बाकी आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो जो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप चाहते हैं कि PSL में भी हम वीडियो कंटिन्यू रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ PSL भी कवर कीजिए, अदरवाइज मैं IPL पे अब फोकस करूंगा, अभी से IPL की वीडियो बनाने लगूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको PSL की भी वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है, धन्यवाद। दिस गेम्स इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।